बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलामु अलैकुम जी, मैं हूँ आदिल चीमा। हम इंसान इस दुनिया फ़ानी में आए और एक न एक दिन इस दुनिया से हमने जाना है। तमाम इंसानों ने जो भी इस दुनिया में पैदा हुआ है, एक न एक दिन इस दुनिया में मर के हमने ज़मीन में दफन हो जाना है और हमारा नामो निशान भी नहीं रह जाना। एक तो मौत अल्लाह ताला की तरफ से आती है, मतलब जो बंदे का वक़्त मुकर्रर है, मुकर्रर तो हर इंसान का ही है, लेकिन ये दुनिया मुसलसल एक सफ़र है। मतलब हम इस दुनिया में आए हैं, इसमें जनाब हमें तकलीफ़ें भी आती हैं, खुशियाँ भी आती हैं और इसमें आंधी तूफान भी आते हैं, लेकिन इस ज़िंदगी को हमने गुजारना है। कोई बंदा है वो गरीबी की ज़िंदगी गुजारता है, कोई बंदा अमीरी की। लेकिन जो मैं बात आपसे करना चाह रहा हूँ वो बहुत ही अफसोसनाक है। हर दूसरा बंदा कोई ना कोई वाकया कर रहा है, मतलब कहीं बाप अपनी बेटी को दफन कर रहा है जिंदा, कहीं जिना करके जनाब मारा जा रहा है, कहीं भाई अपनी बहन को कत्ल करता है, कहीं बहू अपनी सास को। जो मैं आप अहबाब से वाकया शेयर करने जा रहा हूँ, ये कैनेडा का इलाका ऑन्ट्रियो, यहाँ जनाब तीन लोग बसते हैं, एक बेटी है और एक बाप है और उसकी एक माँ है। एक माँ, एक बेटी और एक बाप, ये तीन लोग हैं। बाप का नाम हैम पैन, बेटी का नाम जेनिफर पैन है। और ये जो तीनों इंसान है ये वियतनाम से हिजरत करके कनाडा आते हैं। हर इंसान की दिल की मर्जी है कि मेरी औलाद आला तालीम हासिल करें, और वियतनाम से ये बाप और जनाब माँ वियतनाम से चलते हैं और कनाडा में आते हैं। वहाँ अपनी बेटी को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, बचपन से लेके 23 साल की उम्र तक उसको पाला पोसा जाता है, हर किस्म की उसको सहूलत मुहैया की जाती है। ये जो स्क्रीन पे आप एक तस्वीर देख रहे हैं, ये इस लड़की का दोस्त था, बॉयफ्रेंड था, जिसका नाम है डैनियल। ये जो लड़की इनकी बेटी है जेनिफर, ये अपने इस दोस्त को साथ मिला के अपने माँ और बाप को कत्ल करवाती है। मामला ऐसा बनता है कि तीन लोग इनके घर में पहुंचते हैं और उनके घर आने के बाद जनाब इसके बाप और माँ को जनाब कत्ल किया जाता है। ये लड़की जेनिफर अपने बॉयफ्रेंड को जनाब इन्वॉल्व करती है और जनाब चूंकि इनके माँ और बाप इसकी शादी इस बंदे डैनियल से नहीं होने देते, क्योंकि ये एक मनशियात फरोश था, नशा करता था और जनाब मनशियात को बेचता था, तो इस वजह से हर बाप और माँ की ख्वाहिश होती है कि मेरी बच्ची एक अच्छे ख़ानदान में जाए, अच्छे घराने में जाए। तो बेटी की शादी उससे नहीं होने दे रहे थे, इस वजह से उन्होंने ये स्टेप उठाया कि हम अपने बाप और माँ को ही कत्ल कर देते हैं और बाद में सारी जायदाद हम अपने नाम करके जिंदगी बसर करेंगे। लेकिन अल्लाह ताला की कुदरत बहुत बड़ी है, अल्लाह ताला हर चीज को जानता है और वो जानता है कि मैंने कहाँ किसको कहाँ पकड़वा देना है। इस जेनिफर की किस्मत खराब, ये जनाब 911 पे कॉल करती है और मतलब वो वहाँ से आते हैं, उनके माँ और बाप को लेके जाते हैं हॉस्पिटल। माँ तो वहीं मर जाती है, लेकिन अल्लाह की कुदरत है कि जनाब इसका बाप बच जाता है, जो हैम पैन है वो बच जाता है, वो कोमा में चला जाता है। जेनिफर को नहीं पता कि मेरा बाप कोमा में है, वो बड़ी खुशी मनाती है, लेकिन पुलिस को पहले ही जनाब इस बेटी पर, जेनिफर पर शक हो गया था, क्यों कि उसके चेहरे के तासुरात बता रहे थे कि इसको कोई परेशानी नहीं। चूंकि जनाब तहकीक में जनाब सबसे पहला यही फर्द था जो गवाह था, तो उन्होंने इससे अपनी तस्दीक शुरू की, तहकीक शुरू की। जब इसको बताया गया कि तुम्हारा बाप जिंदा है, तो खबरों के मुताबिक ये जनाब बेटी जो है ये कभी अपने सर को घुटनों में लेती है, कभी परेशान बैठती है कि अब मेरा क्या बनेगा। लेकिन बाप के बताने से पहले पहले ये सोच विचार कर रही थी कि अब मैं कैसे बचूंगी। बहरहाल जब इसका बाप कौमे से बाहर आया तो उससे पूछा गया कि आप बताएं जी आपको फायर कैसे लगे। हालांकि एक दो फायर नहीं, काफ़ी फायर इसके बाप को लगे थे, लेकिन कुदरत बहुत बड़ी है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। जब उसके बाप से पूछा गया कि आपको किसने कत्ल किया और क्यों कत्ल किया, तो वो कहता है जी मेरी बेटी जेनिफर से पूछें। पुलिस ने जनाब उससे पूछा और उसने एक एक अल्फाज सच बोल दिए कि मैंने फलां फलां काम किया है। इसके जनाब बोलने के बाद इसके बॉयफ्रेंड उसको भी जनाब गिरफ्तार किया गया, डैनियल को,
और इसके साथ तीन लोग और थे जिन्होंने जेनिफर के बाप पर और उनकी माँ पर हमला किया था। बहुत सारे लोग देखे हैं, लेकिन एक बेटी अपने बाप और माँ की जान ले सकती है, ये नाकाबले कबूल है और ये तस्लीम भी नहीं किया जा सकता। लेकिन हकीकत यही है कि एक बेटी ने अपनी जिंदगी की खातिर अपने बाप और माँ को जनाब कत्ल कर दिया। अपने जनाब जहन के मुताबिक तो उसने बाप को भी मार डाला था, लेकिन उसकी सांसें अभी थी तो वो जिंदा रह गया। लेकिन अब ये जनाब तीनों लोग डैनियल और जेनिफर और इनके साथ जो तीन लोग और थे अब गिरफ्तार हैं और इनको सजा भी दी गई है और इनसे किसी को भी मिलाया नहीं जा रहा, ना उसकी मुलाकात हो रही है। बहरहाल बताने का मकसद मेरा ये है कि खुदाला अपने आप पर गौर करें और अपनी फैमिली, अपने माँ बाप की इज्जत करें, ना कि उनकी इज्जत को पमाल करें। अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।